दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी दो नंबर्स का सम दिया जाता है और उनका प्रोडक्ट दिया जाता है, तो यू शुड नो दिस। सी, हमेशा सम और प्रोडक्ट देगा तो आपको पहले डिफरेंस निकालना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सम और डिफरेंस वाले इक्वेशन से यू कैन जस्ट कैलकुलेट व्हाट, यू कैन जस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ डिफरेंस की वजह से ही आप दो नंबर्स को निकाल सकते हो। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यू आर अवेयर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके? अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अच्छा, नाउ आई डोंट वॉन्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशंस, ओके, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक है? तो ये तो सारा कैंसिल हो गया। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल गोइंग टू गिव यू फोर ए बी, ठीक है? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने आइडेंटिटी में किया भी है, ठीक है? अब यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स, अगर आप वो दो नंबर्स को ए लेते हो, ए और बी, ओके, तो उनका सम आपको दिया है, ए प्लस बी कितना दिया आपको 11, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी भी आपको दिया है, कितना दिया है 30। तो आपको नंबर्स निकालने, तो आप पहले ए माइनस बी निकालो इस फॉर्मूले से। देखो यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू आप 11 रखो, तो दिस विल बी 11 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, आपको नहीं पता, डिफरेंस निकालेंगे हम पहले, इज इक्वल टू 4 ए बी, ए बी इज 30, ओके? तो यहां से 121 माइनस 120 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके? और ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल गोइंग टू बी 1, सो ए माइनस बी विल गोइंग टू बी 1, ठीक है? अब ए प्लस बी 11 है, अगर ए प्लस बी इज 11 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, नाउ इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट ए एंड बी, ओके? इफ यू विल ऐड दिस टू, सो टू ए बी एंड बी विल गेट कैंसिल, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके? इट विल बी 12, ओके, एंड ए विल कम 6, पुट दिस वैल्यू, ठीक है? Put this value anywhere, you will get b is equal to 5. Put this value in any equation, you will get b is equal to 5. Okay? So the question is very easy. You just have to remember. Directly you can use this formula. Let me highlight this. ठीक है? आप directly इस formula का use कर सकते हैं. Okay? You can directly use this formula. Okay? You should remember this formula directly. Okay. Yes, yes, you can take x and x minus 1 also, yaar. आप ऐसे भी ले सकते हैं. हर्ष कुंभरे, what is the doubt? Okay.